जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय मेरे सब्सक्राइबर का पूछा हुआ प्रश्न है। मेरी दो सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझसे एक ही प्रश्न किया है। मैं आपको सबसे पहले वो प्रश्न बताती हूँ क्या है। प्रश्न किया है सुनीता सेन जी ने, जिन्होंने ये पूछा है, जय माता दी, मुझे माँ की सवारी आती है, पर जब माँ का आगमन होता है तो मेरी चेतना भी रहती है। माँ ने किसे क्या आदेश दिया वो सब कुछ मुझे याद रहता है, कृपया मार्गदर्शन करें। इसी प्रकार का दूसरा प्रश्न सरिता ठाकुर जी ने पूछा है, मेरे शरीर में शक्ति आती है, भजन पर खेलती है, लेकिन मुझे सवारी के टाइम का सब याद रहता है, ऐसा क्यों, प्लीज़ आंसर मी दीदी। देखिए मित्रों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसा विषय है जो जिसके बारे में हर भक्त जानता है, हर सवारी वाला व्यक्ति जानता है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके शरीर पर सवारी आती है लेकिन उन्हें इस विषय में कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं होता। केवल वे इतना जानते हैं कि हमारे शरीर पर सवारी आती है, खेलती है, चली जाती है, बात करती है, नहीं भी करती है। तो ऐसी ये बात समाज में है या भक्तों में ऐसी बात होती है कि जब माँ भगवती शरीर पर आती है या किसी भी देवता की सवारी आती है तो उस समय पर उस व्यक्ति को कोई भी होश नहीं रहता, कोई चेतना उसके अंदर नहीं रहती, वो इस संसार से कट जाता है और किसी दूसरी अलग ही दुनिया में चला जाता है। क्या ये बात सत्य है? ये बात बिल्कुल भी सत्य नहीं है। देखिए, जब माँ भगवती हमारे शरीर पर आती है तो उस समय पर हमारे शरीर की चेतना जागृत रहती है, और अगर माँ भगवती हमारे शरीर पर आएंगी और अगर हमारी चेतना ही नहीं रहेगी तो हम किस परिस्थिति में चले जाएंगे। आपने देखा होगा जब किसी भक्त को सवारी आती है तो वो अपने कपड़ों को ठीक करता रहता है, अपने बालों को ठीक करता रहता है, क्योंकि माँ भगवती जब आती हैं तो वो इसलिए नहीं आती, अगर हमारी चेतना ही हमारे शरीर से चली जाएगी तो क्या हमारी स्थिति अपमानजनक भी हो सकती है, क्या पता हम अपनी परिस्थिति से अनभिज्ञ हो जाएं। लेकिन माता रानी ऐसा बिल्कुल नहीं करती, वो हमें हमारी हर परिस्थिति से जागृत रखती है। हम किस परिस्थिति में हैं, हमारे कपड़ों की क्या दशा है, हमारे शरीर की क्या दशा है, हम किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, वो मानते हैं कि हमारा शरीर हमारे बस में नहीं रहता। उस समय पर हम जो भी करते हैं वो अपने आप नहीं करते, वो माँ भगवती करती है, जो भी करती है। अगर वो खेलती हैं तो स्वयं खेलती है, मनुष्य स्वयं नहीं खेल सकता। क्या आप अपनी गर्दन एक मोटर की तरह घुमा सकते हैं, एक बिजली की तरह घुमा सकते हैं? एक सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन जब माँ भगवती आपके शरीर में आती है तब आपका शरीर बिजली के समान कार्य करता है। जैसे कोई करंट लगने पर मोटर घूमता है, इसी प्रकार से आपका शरीर घूमने लगता है, और जब वो चली जाती हैं तो आपकी गर्दन में कोई ऐसा खास दर्द नहीं होता, शरीर में कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं रहती, थोड़ा टूटता है लेकिन वो स्थिति नहीं होती। अगर वही परिस्थिति एक सामान्य व्यक्ति के साथ हो तो वो हो सकता है 5-6 दिन तक पलंग से उठे ही ना। तो माँ भगवती आती हैं तो आपकी जो चेतना होती है वो जागृत रहती है, ये बात सत्य है। लेकिन जब आप गद्दी धारण करते हैं या किसी भक्त का भला करते हैं और आप गद्दी पर बैठते हैं तो उस समय पर आप इस संसार से कट जाते हैं। आपका कोई दोस्त नहीं रहता, कोई दुश्मन नहीं रहता, कोई भाई नहीं रहता, कोई बहन नहीं रहती, कोई माता पिता नहीं रहता। तो उस समय पर हर व्यक्ति भक्त के पास आता है, अपनी जिज्ञासा बताता है, अपनी परेशानी बताता है, अपनी निजी बातें भी वो उस भक्त को बताता है, तो वो भक्त सभी बातें आपसे सुनते हैं और माँ भगवती उनका निवारण करती हैं। उनको चेतना रहती है, वो बातें याद भी रहती हैं, लेकिन वो भक्त कभी भी आपकी कोई निजी बातों को उस गद्दी पर ही छोड़कर उठ जाते हैं और यही कहते हैं कि हमें चेतना नहीं थी, हमें कोई भी आभास नहीं था, ज्ञान नहीं था, क्योंकि ये गद्दी का वचन होता है कि आप जब गद्दी पर बैठेंगे तो इस संसार से नाता तोड़ करके बैठेंगे। उस समय पर आपको कोई भी चीज़ ज्ञात नहीं रहेगी और उस गद्दी पर होने वाली सभी बातें आप उस गद्दी को छोड़ने के बाद ही तुरंत भूल जाएंगे। कोई भी निजी जीवन की बातें जो कि भक्त आते हैं उनके जीवन से संबंधित होती है, उसका हमें
हमें कोई ज्ञान नहीं रहेगा। इसलिए ऐसी बात मानी जाती है कि गद्दी से उतरने के बाद हमें कोई चेतना नहीं रहती, क्योंकि ये एक गद्दी का वचन होता है। तो आप इस बात को समझे कि गद्दी के वचन में और चेतना में बहुत अंतर होता है। चेतना आपके स्वयं के लिए है, आपकी परिस्थिति को सही करने के लिए है, लेकिन ये चेतना उस चीज़ के लिए नहीं है कि जो बात आपको किसी भक्त ने बताई है या जो परेशानी से ग्रसित व्यक्ति अपनी बात आपको निजी बातें बताता है, तो उससे संबंधित आप किसी भी प्रकार की बातों का किसी अन्य व्यक्ति से कोई भी जिक्र करें या कोई बात शेयर करें, ये बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना है। जो भगवती ने कह दिया वो भगवती का आदेश है, उसमें आप ना तो दखलंदाजी कर सकते हैं, कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती, और ना ही माँ के कहे वचनों को आप दोबारा दोहरा सकते हैं कि माँ आई थी, ये कह गई, ये कर गई, नहीं। जो कहा माँ ने कहा या जिस देवता ने कहा उन्होंने स्वयं कहा, उसमें आपका कोई भी रोल नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। तो मित्रों, ये बात कहना कि जब माँ आती है चेतना नहीं रहती, ये बात गलत होती है। आप इस बात को अलग तरह से समझें, चेतना रहती है, लेकिन चेतना रहने का अर्थ ये नहीं कि आपको हर चीज़ याद रखनी है। आपको वो बातें सब भूल जानी है जो माँ भगवती ने आपसे आपके द्वारा कहलाई, क्योंकि आप केवल एक माध्यम मात्र हैं। आप माँ भगवती नहीं हैं, केवल उनका माध्यम है, आपका शरीर उनका माध्यम है, वो आपके माध्यम से इस संसार का भला करती हैं। तो स्वयं को आप सौभाग्यशाली समझें और माँ भगवती के दिए गए इस आदेश में आप अपना योगदान दें और माँ भगवती की कृपा प्राप्त करें। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, माँ काली महाकाल शक्ति उपासना को। साथ ही माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे और आपकी जो भी परेशानियाँ हैं उनको दूर करती रहे। मित्रों, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं अपने 2 सब्सक्राइबर के प्रश्न हर वीडियो में लूँगी, तो आज मैं वही प्रश्न लेने के लिए जा रही हूँ। एक प्रश्न है चौहान जी का, जिन्होंने पूछा है, माँ माता की शक्ति आती है काली की, पर सभी बोलते हैं क्रोध में है तेरी माता, माँ प्लीज़ बताओ माँ को कैसे शांत करूँ, कहीं जाने नहीं देते ससुराल में वाले, मुझे प्लीज़ माँ दुख से निकालो। देखो बेटा, पहली बात तो ये, माँ भगवती जब किसी के शरीर पर आती हैं तो वो क्रोध में तो बिल्कुल नहीं आती। अगर आपके साथ ऐसी परिस्थिति बन रही है, आपकी माँ क्रोध में है, तो इसका अर्थ यह है कि आपसे कोई ना कोई त्रुटि हुई होगी, और इस त्रुटि को सही करने का बस केवल एक ही तरीका है कि आप माँ भगवती की जितनी सेवा कर सकती हैं, जितनी पूजा पाठ कर सकती हैं, आप उतनी पूजा पाठ करें, उसके बाद माँ धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाएंगी। आप माँ की काली चालीसा का पाठ करें, हो सके तो काली के माँ काली के व्रत रखें, और कुछ भी नहीं कर सकते तो माँ भगवती की रोज़ सुबह शाम अपने घर के मंदिर में 2 दीप प्रज्वलित करें सरसों के तेल का, और इस प्रकार से आप माँ की सेवा करके उन्हें भोग दे करके शांत कर सकती हैं और उनकी कृपा को प्राप्त कर सकती हैं। अब दूसरा प्रश्न मैं जो ले रही हूँ वो है रूमी भट्टाचार्य जी का, ये कहती हैं, जय माता दी, गुरु माँ जिसके घर में या घर के व्यक्ति के ऊपर तांत्रिक क्रिया की गई हो तो क्या दीपक की ज्योत में फूल बनेगा या नहीं। देखो बच्चे रूमी, अगर आपके घर पर किसी ने तांत्रिक क्रिया की है तो तांत्रिक क्रिया एक अलग चीज़ होती है और फूल बनना एक अलग चीज़ होती है। फूल आपके दीपक में जरूर बनेगा, तांत्रिक क्रिया से फूल बनना रुकता नहीं है, क्योंकि ये तो ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की कृपा तो आपके साथ चलती रहेंगी, तांत्रिक क्रिया उस चीज़ को रोक नहीं सकती। हाँ, ईश्वर की कृपा उस तांत्रिक क्रिया को रोक सकती है, लेकिन तांत्रिक क्रिया आपकी कृपा को नहीं रोक सकती, तो आपके दीपक में फूल जरूर बनेगा। तो मित्रों, आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपको अपने प्रश्न का उत्तर भी मिला होगा। फिर मिलूँगी एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।